हे गाइस, गेस आज हम क्या बनाने वाले हैं। ये चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, तो इसे बनाने के लिए मैं एक सिंपल पेपर ले रहा हूँ। अगर आपको ये पहनने लायक बनाना है तो आपको न्यूज़पेपर या कोई और बड़ा पेपर लेना होगा। तो सबसे पहले हम इस पेपर को स्क्वायर में काट लेंगे। और इसे स्क्वायर में काटने के बाद हम इसे इस तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसको इससे मैच करेंगे कुछ इस तरह से। ये हो जाने के बाद हम इसे खोल लेंगे और इसको इस लाइन से मैच करेंगे और ये सेम चीज़ हम इस साइड की करेंगे। ये हो जाने के बाद हम इसे इस एज से मैच करेंगे कुछ इस तरह से और सेम चीज़ हम इस साइड भी करेंगे, इस एज को इस एज से मैच। ये हो जाने के बाद आप ये पॉकेट देख सकते हैं, ये जो दो पॉकेट्स बनी हैं एक फिट, वो हमें खोलना होगा। सबसे पहले हम इसे खोलेंगे और उसके बाद इसे पकड़ कर ऐसे पॉकेट को खोल लेंगे। खोलने के बाद ये ऑटोमेटिकली इस तरह से सेट हो जाएगी, फिर हमें बस क्रीज करना होगा। और अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। इस तरह से हमने पॉकेट को अब खोल लिया है। इसे को अब हमें इसे उल्टा करना है और यहाँ पर इस एज को इस एज से मिलाना है, तो इस तरह से। और वही सेम चीज इस साइड की। ये हो जाने के बाद हमें इसको बेस बनाना, इसका हमें बेस बनाना होगा। तो इसका बेस बनाने के लिए हम इसको इस लाइन से मैच करेंगे कुछ इस तरह से और वही सेम चीज इधर भी, इसको इस लाइन से मैच। अब ये हो चुका है। ये हो जाने के बाद हम इसको इससे मैच करेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इसे उल्टा करेंगे और सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, इसको इस लाइन से मैच। अभी मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, इसको इस लाइन से मैच। और अब हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। अब ये हो जाने के बाद हम ये जो हमें पॉकेट दिख रही है इस पॉकेट को हम खोल लेंगे। ये देखिए, इस पॉकेट को हमें खोल लेना है और उसके बाद यहाँ से इसको दबाना है इस तरह से, एक उंगली अंदर घुसाए हुए। ये देखिए, हमारा एक तरह का शेप क्राउन का हो चुका है। ये हो जाने के बाद हमें इन कॉर्नर्स पर क्रीज करने होंगे, हर चार कॉर्नर पे हमें इसे क्रीज करने हैं। चलिए बाकी तीनों पर भी कर देते हैं। ये देखिए, हर एक कॉर्नर पे क्रीज हो चुका है। अब हमें बस इसे अच्छे से शेप देना। आप चाहें तो इसे मॉडल बना के रख सकते हैं या अपने किसी टॉय पे को भी पहना सकते हैं।